नमस्कार दोस्तों, कहानी ललिता की जुबानी में आपका स्वागत है। आज एक और नई कहानी के साथ 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानी। यह कहना बिल्कुल सही है कि एक महिला के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि एक नई लाइफ को जन्म देना एक महिला के ही हाथ में होता है। वहीं अगर आदिवासी महिलाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति अपर कास्ट से महिलाओं की से काफ़ी अलग है। आज भी उन्नतिशील भारत में आदिवासियों की स्थिति पिछड़ी हुई है। उनका लाइफस्टाइल आज के आधुनिक भारत से काफ़ी पीछे छूटा हुआ है। इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी ही है। इन्होंने जनजाति समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया है। आज वह भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला भी है। यह है संथाल आदिवासी जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम नागरिक है। उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रायपुर रंगपुर के बदोपोसी गांव में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी के पिता सर्वज्ञ बिरंची नारायण टुड्डू एक किसान थे। मुर्मू के परिवार में इनके दो भाई थे, जिनमें भगत टुड्डू और सारनी टुड्डू दोनों ही भाई पिता की खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता और दादा दोनों गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी का बहुत योगदान रहा था। उन्होंने द्रौपदी की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी में अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में से ही शुरू की। उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमा देवी वुमेंस कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया और यहाँ से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी कर ले, ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी की। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। इनके पति एक बैंक में कार्यरत थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई। ससुराल वालों को मानना था कि दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। यहां वह वेतन नहीं लेती थी। द्रौपदी मुर्मू के दो बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत बार उनकी परीक्षाएं ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके पीछे कारण था कि 25 वर्ष की उम्र में 2009 में उनके एक बेटे की असमय मृत्यु हो गई। इसी कारण वह डिप्रेशन में चली गई। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी। जब वह अवसाद से बाहर आ ही रही थी, तभी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यहीं रुका नहीं, बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने एक महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का जीवन में सामान्य जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी
में अध्यात्मकता के साथ योग की शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। द्रौपदी मुर्मू ने समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी किए। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए किए कार्य भी किए। वह कई एनजीओ के संपर्क में आई, जिसके लिए उन्होंने गांव में घूम घूम कर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने एजुकेशनल कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आदिवासियों के लिए समर्पण की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वे राजनीति क्षेत्र में आए। द्रौपदी मुर्मू को लगा कि राजनीति में जाने से तभी काम संभव होंगे। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। वह भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2009 में पुनः विधायक चुनी गई। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। 2013 में बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्य बनने का भी गौरव है। 18 मई 2015 में झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। इस प्रकार वे राजनीति क्षेत्र में बढ़ती गई। 25 जुलाई 2022 में देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। वर्तमान में देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी मुर्मू की फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।